गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है प्रियंका और आज के इस वीडियो के लिए मैं सुपर डुपर से भी ऊपर वाला एक्साइटेड हूँ, क्योंकि फेलो यूट्यूबर जिसको मैं पर्सनली जानती हूँ, जिससे मैं पर्सनली बात करती हूँ, शी हैज लॉन्च हर ओन मेकअप एंड स्किन केयर ब्रांड। आई होप यू गाइज ऑलरेडी नो हुम आई एम टॉकिंग अबाउट, और टाइटल देख के तो आप लोग समझ गए होंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट निधि कटियार, हु ओन्स कफ्स एंड लैशेज डॉट कॉम एंड हैज अ वेरी गुड एंड सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल एज वेल। शी हैज ओवर 160K सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब और आप लोग में से बहुत सारे, आई थिंक 99% लोग तो उनको जरूर सब्सक्राइब कर रखा होगा उन्होंने आपने। अगर नहीं किया तो अभी फटाफट सब्सक्राइब करो। निधि का जो यूट्यूब चैनल है उसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगी। एंड शी हैड रिसेंटली लॉन्च्ड ऑन द 14th of February her eyeliners and her skincare range and I was fortunate enough क्योंकि निधि ने मुझे सेंड किया अपने सारे eyeliners और अपनी skincare range। So without any further ado मैं अपना honest take देने वाली हूँ इन eyeliners के ऊपर by Cuffs and Lashes and skincare का review भी मैं बहुत जल्दी करूँगी। So without any further ado let's begin with the video। First of all when I talk about the liners I am super duper excited because ये जो पूरा liner का range है it's super duper affordable। 199 रुपीस के आईलाइनर्स है एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आपको ऐसे कलर्स मिलने वाले हैं ना जो मार्केट में आप ढूंढ ढूंढ के थक गए होंगे, लेकिन आपको वैसे कलर्स नहीं मिले होंगे और एक से एक कलर। ट्रस्ट मी, मैंने जितने लाइनर्स ट्राई किए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द मोस्ट लॉन्ग लास्टिंग वन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शो यू व्हाट लाइनर्स आई हैव हियर एंड क्या क्या कलर्स है। सो दीज आर द लाइनर्स दैट आई गॉट फ्रॉम निधि। दीज आर द कफ्स एंड लैशेज लिक्विड आईलाइनर शाइनी इन मूनस्टोन। सो दिस इज द पैकेजिंग ऑफ द लाइनर। सो हर लाइनर का जैसा अंदर कलर है उस हिसाब से उसकी पैकेजिंग है। बहुत ही अट्रैक्टिव नेम्स भी है सभी लाइनर्स के एंड ये लाइनर्स दो रेंज में लॉन्च हुई है, वन इज द मैट वन एंड वन इज द शाइनी वन। तो यहां पे जो है मैं आपको दिखा देती हूं, मैट में चार शेड्स है और शाइनी रेंज में भी चार शेड्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल एज आई सेड दिस इज द आउटर पैकेजिंग विच इज रियली नाइस एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट द प्रोडक्ट इज दैट इट्स पैराबिन एंड क्रूल्टी फ्री एंड मेड इन इंडिया। सो ये कोई मेड इन चाइना प्रोडक्ट नहीं है, प्राउडली मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है एंड यू कैन सी ऑल द इंग्रीडियंट्स दैट हैज बीन यूज्ड इन द बैक साइड ऑफ द पैकेज वेर इन एवरीथिंग इज मेंशनड वेरी क्लियरली। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे इसकी पैकेजिंग इतनी अच्छी लगी, एक इंडियन ब्रांड जिसने रिसेंटली लॉन्च किया एंड शी हैज बीइंग अ ब्यूटी ब्लॉगर शी नोज एक लाइनर कैसा होना चाहिए एंड व्हाट वी गर्ल्स एक्सपेक्ट। सो शी हैज पुट 100% इन डिलीवरिंग दैट। सो दिस इज आउटर पैकेजिंग, लेट मी शो यू द मोर ऑफ द बॉक्सेस। लाइक ये सारे आउटर पैकेजिंग है, मैं भी सारे कलर्स आपको दिखाऊंगी विद द बॉक्सेस है। 199 इनकी एमआरपी है, 8ml प्राइस है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका जो है प्रोज एंड कॉन्स आपको बता देती हूँ एंड देन विल मोर द स्वॉचेस। प्रोज इसके ये कि द लाइनर्स आर वेरी वेरी लॉन्ग लास्टिंग। सो लेट मी शो यू द पैकेजिंग ऑफ द लाइनर। सो दिस इज हाउ द लाइनर लुक। सो दिस इज द लाइनर का पैकेजिंग। आई हैव लाइक एवरीथिंग इज फॉलिंग ऑफ हियर एंड देयर, बट या मैं आपको इसे दिखा देती हूँ। सो दिस इज द इनर पैकेजिंग ऑफ द लाइनर। हर लाइनर के साथ you know you get this kind of packaging and yahan pe bahut clearly mentioned hai sab kuch, cuffs and lashes by Nidhi Kattiyar, color, price and everything ingredients and every damn thing which I haven't seen in any of the brands। bade se bade brand ne bhi ye kaam kabhi nahi kara and maine natural you know maine koi makeup nahi kar rakha apart from a lip tint, kyunki main chahti thi ki main aap logo ko jaise bina makeup ke bhi aap liner laga ke nikal sakte ho to kaisa lagne wala hai ye main aapko dikhaun। so the pros is that it's very very long lasting aur iski jo tip hai mujhe bahut zyada pasand aayi। it's not sponsored at all guys, trust me। aap ek liner purchase karke dekho and you will know for yourself ki main kya bol rahi hu। the tip is so damn you know good, it's very very thin and aap mote se mota and patle se patle har type ka liner isse draw kar sakte ho। You guys can see for yourself। And अभी यही नहीं, मैं आपको water test भी करके दिखाऊंगी पानी के साथ कि ये बिल्कुल भी कहीं नहीं जाता। I had tested it for 11 to 12 hours and it stayed on my eyes as it is। And makeup remover के साथ भी मैंने लगा के उसको हल्का सा rub किया, उसके बाद it just left my eyes। And trust me, this is the most long-lasting eyeliner I have ever tried in my life। So without any further ado, let's begin with the swatches। And I could not find any single corn in this product। मेरे हिसाब से इस eyeliner में कोई corn नहीं है। 199 में जो color, जो क्वांटिटी, जो पैकेजिंग और जो क्वालिटी आपको मिल रही है, आई डोंट थिंक सो आपको कहीं भी मिलेगी। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स सी द स्वॉचेस। गाइस पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि क्या क्या कलर्स है शाइनी रेंज में और क्या क्या कलर है मैट रेंज में। सो इन द शाइनी रेंज यू गेट फोर कलर्स। फर्स्ट वन इज
इवोल्यूशन विच इज अ वेरी नाइस ग्रीन कलर. दिस इज इवोल्यूशन एंड यहाँ पे कलर भी मैंशनड है. सो लेट मी स्वॉच इट फॉर यू. लेट मी डू अ हैंड स्वॉच फॉर यू. सो दिस इज द शेड इवोल्यूशन. यू गाइस कैन सी इट्स सच अ प्रिटी ग्रीन. लाइक मैंने नहीं देखा मार्केट में ऐसा डार्क एंड ब्यूटिफुल ग्रीन. नॉर्मल ग्रीन्स आपको बहुत मिल जाएंगे, टील कलर बहुत मिल जाएगा, बट दिस इज सच अ ब्यूटिफुल शेड एंड दिस इज द फर्स्ट शेड कॉल्ड एवोल्यूशन. द सेकेंड शेड आई हैड ऑलरेडी स्वॉच्ड इज मून स्टोन, जो मैंने ऑलरेडी स्वॉच कर लिया है यहाँ पे. लेट मी डू अ लिटिल बिट मोर, यू नो, थोड़ा सा मोटा स्वॉच करती हूँ ताकि आप लोगों को ज्यादा अच्छे से क्लियरली दिखे. सो दिस इज द सेकेंड शेड मून स्टोन. And you guys see how pigmented it is. The third shade that we have over here is a different color. It's in the shade Gold Digger. The Gold Digger जो है वो normal golden colors जो आपको market में मिलते हैं उस type का नहीं. It's very very pretty. So let me show you Gold Digger. And Nidhi was, I saw Nidhi watch, you know, mentioning in her video when she had done the brand launch video, कि she never wanted it to be a sparkly kind of a gold. She just wanted this color and she wanted to create this color क्योंकि ये बहुत different है and this is the color Gold Digger. How pretty everything looks. Like I am awestruck, starstruck in everything. This is the fourth shade called Lustrous. My personal favorite. I really like Moonstone. I like each shade, but shiny wale range mein the most favorite one is Lustrous and Moonstone for me. Everything is so pretty, but I am that sort of a blue and grey girl. So this is the fourth shade called Lustrous and this is the packaging of Lustrous. You guys see for yourself, right? And the next four shades are, तो यही जो है यही green shade आपको matte range में भी मिल जाती है. The shade name is Moss and this is a matte green color. So what I will do is, now I'm going to swatch Moss. And it's such a nice, you know, dark green color. Like Moss के packaging में भी ऐसे, you know, you can see plants and वो एकदम plant का जो पत्ते का dark green color होता है ना, it just looks like that. And you can see दोनों greens आपस में एक दूसरे से कितने ज्यादा अलग है. They are not similar at all. Next in the matte range we have Azul. Again, one of my favorite colors. I loved Azul. Like I'm a sucker for blue colors. And the color blue, and I just loved Azul. So this is the shade Azul, which I'm gonna swatch, and it's such a nice ink blue. Like वो एकदम ink blue. क्या बोलूँ मैं, कैसे express करूँ इस blue को, लेकिन it's such a nice royal blue kind of a color. And you guys can see, ये काफी different है, and ये काफी different है. Both the blues are so damn different and the pigmentation is bombdiggy.com. The next color that we have is Fall, which is a very nice brown color and this is a matte color. I just messaged Nidhi that I am so happy that you launched a brown color. Oh man, like brown liners and brown kajal milna itna, brown kajal to fir bhi mil jate hai, brown liners to aap jaake search karke dekh lo, you won't get brown liners at all, and that too good quality brown liners, nah. So this is the shade Fall. Again, such a pretty brown. Like all the shades are just making me go crazy. You guys can see for yourself. And 199 rupees ke hisab se, I think these products, these colors are just magical. Next up, we have the last shade, which is the black eyeliner. I know you guys must be waiting for a black one. And this is such a nice black. This is in the shade Pitch, P-I-T-C-H. And this is the shade black color. Oh my god, let me show you guys how good, how dark the black one is. You guys are gonna love it. And how, so this is the shade Pitch, matte black, as dark as it can get. It is so beautiful. And now you need to see the shades. This is Moonstone, this is I think this is Moonstone, the second one is Evolution, this is Gold Digger, this is Lustrous, this is Moss, Azul, Fall and Pitch, and all the colors look beautiful. अब चलो real वाला test करते और देखते हैं कि ये कितना जो claim होता है कि ये waterproof है कि नहीं, देखते हैं. मैंने आपको बोला आप विश्वास नहीं करोगे इसलिए मैं आपको दिखा देती हूँ. सो मेरे पास गुलाबरी है, normal पानी नहीं लाई मैं, गुलाबरी लाई.
फनी है एनीवेज तो ओके यू सी एनीथिंग डू यू सी एनीथिंग डू यू सी लाइक ये ब्लैक मैंने लास्ट में अप्लाई किया था दैट्स द रीजन इट्स कमिंग ऑफ लेकिन ऐसे ये निकलने ही नहीं वाला बाय वन और टू शेड्स एंड देन सी फॉर योरसेल्फ एंड देन कम बैक एंड कमेंट कि भाई कैसा लगा एंड इफ यू ऑलरेडी ट्राइड इट यू गाइस नो ऑलरेडी सो ओके फाइन आई एम गोना स्वॉच माय फेवरेट शेड्स सो दिस इज द शेड लस्ट्रस व्हिच आई रियली लव थैंक यू सो मच निधि आई नो यू वुड बी वॉचिंग दिस वीडियो फॉर लॉन्चिंग दीज प्रोडक्ट्स इंडियन मार्केट में बहुत ज्यादा जरूरत थी इतने अच्छे लाइनर्स की ऑन माई अदर आई I would be swatching Moonstone, which is again from the shiny range. Because I'm a blue girl, I love blue. Oh God, the color. The color is to die for, guys. And मैंने बिल्कुल कोई मेकअप नहीं किया है, बिल्कुल भी नहीं. क्योंकि कॉलेज गोइंग गर्ल्स, नॉर्मल गर्ल्स कहाँ मेकअप करते हैं? लाइनर लगाते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं, we are done, right? And that's what I wanted to show you कि कुछ मेकअप ना करो और सिर्फ ये लाइनर लगा लो ना लिपस्टिक के साथ यू वुड बी डन द शेड लस्ट्रस एंड यू गाइस कैन सी इट्स सो डैम ब्यूटिफुल एंड इग्नोर माय वाइट हेयर साइंस ऑफ एजिंग दिस इज लस्ट्रस एंड दिस इज मूनस्टोन ओके यू गाइस अब मैंने लगा तो लिया है लेट मी शो यू इसको रिमूव करने का तरीका और अगर आप लोगों को अभी भी कोई डाउट है कि ये वाटर प्रूफ है या नहीं है So let me show you. This is a micellar water. You can see. Okay. मैंने इसको cotton pad में spray कर लिया. And now you see. It won't go like that. Literally, you have to push it and remove it. Okay. Next, I'm gonna swatch Fall, which is the brown shade on the left eye. And I'm gonna swatch. Black, pitch black on my right eye. I think it gets dried up very quickly, like 30 seconds ke andar ye pura dry ho jata hai. So this is the shade Fall. And this is the shade Pitch. Next I'm gonna swatch Evolution and Moss side by side. Ye dono jo greens hai, I'm gonna swatch them side by side. So guys, this is the shade Evolution. As you guys can see, it has a metallic shine. This is the shade Evolution. This is the shade Moss. So Evolution versus Moss, आंखों में बहुत एक जैसे लगते हैं but ये shiny metallic finish देता है और ये matte finish देता है जो हल्का सा glossy है okay? You're gonna swatch the last two shades which is Gold Digger and Azul. So guys, this is the shade Gold Digger and this is Azul. So guys, those were all the swatches and I loved using these products. I highly recommend these products to you guys because it's so affordable and I highly recommend ki aap zarur try karke dekhna. I will leave the purchase link in the description box below. So yeah, that's all for today's video. Agar achhi lagi to please like kar dena, subscribe kar dena aur mujhe follow karna Instagram pe priyankaghosh.pg is my handle. I will see you in my next one. Till then, take care. Bye.